दोस्तों आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, लेजी आई सर्जरी के बाद आने वाले प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। अगर आप या आपके किसी जानने वाले ने रिसेंटली लेजिक सर्जरी की है या आप सर्जरी कराने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पूछे गए कुछ सवालों के जवाब ले लेते हैं, कमेंट्स में बहुत बार पूछे गए हैं, जिसमें पहला सवाल है, क्या लेजिक सर्जरी के बाद चश्मा लगाने की जरूरत पड़ सकती है या पड़ती है? देखिए, लेजिक सर्जरी के बाद जनरली स्पेक्स या चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ केसेस में एनहेंसमेंट या टचअप सर्जरी के बाद स्पेक्स की जरूरत हो सकती है, ये आपके डॉक्टर आपको बता देंगे। सवाल नंबर दो, लेजिक सर्जरी कितने साल तक कामयाब रहती है? देखिए, लेजिक सर्जरी की इफेक्टिवनेस जो है वो आमतौर पर 10 से 15 साल होती है, लेकिन ये किसी इंडिविजुअल की आई हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ, लाइफ स्टाइल पर भी डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन वारी कर सकता है। सवाल नंबर तीन, क्या लेजिक सर्जरी के बाद फिर से विजन कम हो सकता है? हाँ, कुछ केसेस में विजन वापस से कम हो सकता है, इसे डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलोअप और आई केयर से मैनेज किया जा सकता है, आपके डॉक्टर थोड़ा डिटेल में इसके बारे में आपको बता देंगे। सवाल नंबर चार, लेजिक आई सर्जरी के 3-4 साल बाद भी विजन कम हो जाए तो क्या करें? देखिए, अगर कुछ सालों के बाद ही विजन कम हो जाता है तो आपके डॉक्टर एनहेंसमेंट सर्जरी या अपडेटेड करेक्टिव मेजर्स रिकमेंड करेंगे, इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, तो अपने डॉक्टर से बात करें। अब बात करते हैं कि लेजिक आई सर्जरी के बाद होने वाली प्रॉब्लम्स और उनके समाधान के बारे में, एक एक करके बात करेंगे, ध्यान से सुने। तो देखिए, लेजिक सर्जरी के बाद होने वाली प्रॉब्लम्स में सबसे पहली प्रॉब्लम होती है ड्राई आईज की। सर्जरी के दौरान कुछ नर्व्स जो टीयर्स प्रोड्यूस करती हैं आंखों के अंदर, उनके टेम्पररी डैमेज हो सकते हैं। इसके रिजल्ट में आंखों के अंदर ड्राइनेस या इरिटेशन हो सकती है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए आपके जो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हैं आपको आर्टिफिशियल टीयर्स या कुछ ड्रॉप्स प्रेस्क्राइब करेंगे, ये आपकी आई को मॉइस्चर करेंगे और ड्राइनेस को कम करेंगे। आपको सर्जरी के बाद कुछ महीनों तक रेगुलर बेसिस पर इन्हें यूज करना जरूरी होता है, इससे आपकी ड्राइनेस की समस्या जाती रहेगी। दूसरा प्रॉब्लम जो पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं वो है ग्लेयर या हेलोज, ये स्पेशली रात को ब्राइट लाइट्स देखते वक्त या हेडलाइट से हो सकता है। ये इफेक्ट तब होता है जब सर्जरी के बाद कॉर्निया पूरी तरह से हील नहीं हुआ हो। अगर ये सिम्टम्स ज्यादा सीवियर होते हैं तो आपके डॉक्टर आपको विजन के रीएवेलुएट करेंगे और जरूरी मेडिकेशंस या ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। आपको भी अवॉइड करना चाहिए ब्राइट लाइट्स और उन कंडीशंस को जहां ये सिम्टम्स बढ़ सकते हो। देखिए, तीसरा इशू होता है विजन का फ्लक्चुएशन होना। आपको शायद सर्जरी के बाद कुछ दिन या वीक्स तक विजन ब्लर या फ्लक्चुएट हो सकता है, ये जनरली टेम्पररी होता है और कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। रेगुलर फॉलोअप्स के दौरान आपको ऑप्थल्मोलॉजिस्ट आपकी कंडीशन मॉनिटर करने के लिए कहेंगे, अगर प्रॉब्लम कंटिन्यू होती है तो आपको फर्दर असेसमेंट और ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है। चौथा पॉइंट दोस्तों होता है इन्फेक्शन। हालांकि बहुत कॉमन नहीं होता है, लेकिन हर सर्जरी के साथ इन्फेक्शन का रिस्क होता ही है, लेजिक सर्जरी के बाद भी ऐसा हो सकता है। इन्फेक्शन का रिस्क सर्जरी के बाद आईज की प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना करने से हो सकता है। आपको सर्जरी के बाद अपने ऑप्थल्मोलॉजिस्ट द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए एंटीबायोटिक्स और एंटी इंफ्लेमेटरी आई ड्रॉप्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। डिस्चार्ज के बाद दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और क्लीनलीनेस मेंटेन करना भी जरूरी है। अपने हैंड्स को रेगुलरली वॉश करना चाहिए और आंखों को हाथ से टच करने से या रब करने से बचना चाहिए, इससे आप इन्फेक्शन के खतरे को कम कर सकते हैं। पांचवा प्रॉब्लम होता है नाइट विजन प्रॉब्लम। कुछ लोगों को रात को विजन प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है सर्जरी के बाद, जैसे कि डिफिकल्टी सीइंग और ब्लर्ड विजन। अगर ये प्रॉब्लम सीवियर होती है तो आपके डॉक्टर आपको स्पेशल नाइट ग्लासेस रिकमेंडेड कर सकते हैं। रेगुलर फॉलोअप से भी आपकी कंडीशन को मॉनिटर किया जाएगा और नेसेसरी एडजस्टमेंट किए जाएंगे, जिससे आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। छठा इशू जो रेयर है वो है कॉर्नियल एक्टेसिया। ये कंडीशन तब होती है जब कॉर्निया वीक हो जाती है और बल्ज करने लगती है। इस कंडीशन का टाइमली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेट हो सकती है। आपके ऑप्थल्मोलॉजिस्ट इसके लिए एडवांस ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे,
जैसे कॉर्नियल क्रॉस लाइनिंग या कॉन्टैक्ट लेंसेस। सातवां पॉइंट होता है दोस्तों इनकम्प्लीट करेक्शन। कभी कभी सर्जरी के बाद विजन डिजायर्ड लेवल तक इम्प्रूव नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी विजन पूरी तरह इम्प्रूव नहीं हुई है तो आपके डॉक्टर आपको एनहेंसमेंट सर्जरी या एडिशनल ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकते हैं। ये जनरली एक माइनर प्रोसीजर होता है, इससे आपकी समस्या ठीक हो जाती है। आठवां प्रॉब्लम होता है दोस्तों सेंसिटिविटी टू लाइट। सर्जरी के बाद कुछ लोगों को लाइट के कॉन्टैक्ट में आने पर सेंसिटिविटी फील होती है, उनको लाइट देखने में दिक्कत होती है। आपको डार्क ग्लासेस पहनने की सलाह दी जा सकती है जब आप बाहर जाएं, तब ये लाइट सेंसिटिविटी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग आपके प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा जिससे आपकी ये समस्या भी ठीक हो जाएगी। नौवां पॉइंट होता है, प्रॉब्लम होती है अनप्रिडिक्टेबल हीलिंग। हर किसी का हीलिंग प्रोसेस जो है वो देखिए डिफरेंट होता है और कुछ केसेस में रिकवरी टाइम ज़्यादा लग सकता है। रेगुलर फॉलोअप्स से आपकी ये कंडीशन मॉनिटर की जा सकती है और नेसेसरी एडजस्टमेंट के बाद ये समस्या ठीक हो जाती है। पेशेंस रखें और डॉक्टर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें, आपकी ये समस्या भी ठीक हो जाएगी। तो देखिए आखिरी इशू होता है ओवर करेक्शन। यस, कभी कभी सर्जरी के बाद विजन थोड़ा ज़्यादा ही करेक्ट हो जाता है जो आपको डिस्कम्फर्ट दे सकता है। अगर ये इशू है तो आपके डॉक्टर आपको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे जैसे एडिशनल एडजस्टमेंट या करेक्टिव मेजर्स भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ कॉमन प्रॉब्लम जो लेजिक आई सर्जरी के बाद आ सकते हैं और उनके सॉल्यूशंस। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज समय पर मिलते रहें। कमेंट्स में बताएं कि आपके किसी भी क्वेश्चन का जवाब यहाँ मिला या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो लिख के पूछें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।